हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे राहु और केतु का गोचर फल। दोस्तों, मैंने सभी वीडियो में पीछे हर ग्रह का अलग से बताया है, लेकिन इस वीडियो मैंने राहु और केतु दोनों को इकट्ठा किया है। आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये दोनों इकट्ठे क्यों हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। जब भी ऐसे वीडियो अपलोड होंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों, अब चर्चा शुरू करते हैं राहु और केतु के गोचर के शुभ और अशुभ फल। दोस्तों, मैंने इसमें राहु केतु को दोनों को इकट्ठा क्यों किया है, उसके पीछे वजह ये है। दोस्तों, मंगल और शनि, राहु का जो व्यवहार है वो शनि के अनुसार होता है, केतु का व्यवहार है वो मंगल के अनुसार होता है गोचर फल की दृष्टि से। तो दोस्तों, अब जब शनि और शनि के अकॉर्डिंग राहु और मंगल के अनुसार केतु, इनका व्यवहार रहेगा और ये एक राशि में 18 महीने रहते हैं, तो प्रभाव इनका भी लंबा चलता है। वैसे जब ये रहते हैं, अब मंगल भी 3, 6, 11 में अपने गोचर में, जब तीसरे छठे ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे तो शुभ फल देंगे, बाकी में अशुभ देंगे। ठीक वैसे ही शनि का भी यही है, 3, 6, 11 में गोचर करेंगे तो शुभ, बाकी में अशुभ। तो अपन राहु केतु को ठीक वैसे ही मानिए, ये भी 3, 6, 11 में अगर भ्रमण करेंगे या गोचर करेंगे तो शुभ फल देंगे, बाकी सभी में अशुभ फल देंगे। और कुंडली में वैसे भी शनि और केतु के फल इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये आप इन दोनों के इंडिपेंडेंट प्रेडिक्शंस नहीं दे सकते, क्योंकि होरोस्कोप में राहु और केतु के प्रभाव बाकी ग्रहों के संबंधों के आधार पर तय होते हैं। कुंडली में राहु केतु की जो स्थिति है वो किस नक्षत्र में है, किस ग्रह के साथ है, किसकी दृष्टि उन पर पड़ रही है, कितने डिग्री के हैं, किसके साथ कॉम्बिनेशन में है, किस षडबल में है या किसी विशेष योग में आ रहे हैं, ये सब चीज़ें तय करने के बाद ही पता चलता है। और फिर भी आप अगर देखना चाहते हो कि राहु के प्रभाव क्या होंगे, तो आप हमारा शनि गोचरफल का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे देख लें, वही परिणाम होंगे। और आप देखना चाहते हैं केतु के फल क्या होंगे गोचर फल, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ पर लिंक। आप मंगल का है जो गोचर फल है वही सेम केतु के संदर्भ में भी रहेगा, तो आप उनको दोनों वीडियो देख के आप केतु और राहु के बारे में भी जान सकते हैं। वैसे भी राहु जब अपनी लग्न कुंडली होती है, जब उन्हीं भावों में वो गोचर करते हैं, तब आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की कुंडली में राहु 5वें भाव में है, जन्म कुंडली में, तो जब गोचर में राहु 5वें भाव में आएगा तब आपकी लाइफ में बड़े चेंज होंगे, क्योंकि राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये केतु की भी सेम होती है और बृहस्पति की भी सेम होती है, इन्हीं दृष्टि से वो आपकी कुंडली पे अपने अलग अलग प्रभाव दिखाएंगे। अब राहु वहाँ पे अगर शुभ स्थिति में है तो आपके जीवन में बड़े शुभ बदलाव आएंगे, अगर अशुभ है तो आपकी कुंडली में बड़े ही अशुभ परिणाम मिलने वाले हैं। ठीक वही केतु की स्थिति में है। तो दोस्तों, अब राहु केतु दोनों को छाया ग्रह माना जाता है। अब राहु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगाता है, केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, और सूर्य आत्मा का, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। जिस व्यक्ति की मन और आत्मा दोनों दूषित हो जाए, जीवन बड़े संघर्ष में गुजरता है, याद रखिए इस चीज़ को। इसलिए दोनों छाया ग्रह हैं और इनके प्रभाव बड़े गहरे होते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं, और बहुत से ज्योतिष जो हैं वो राहु और केतु के बारे में प्रेडिक्शंस नहीं दे सकते, क्योंकि देना बहुत मुश्किल है। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु के संदर्भ में क्लियर कट प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, इनके परिणाम अनिश्चित होते हैं, पता भी नहीं चलता इनके परिणाम कब मिलते हैं और कितने समय तक मिलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, आप शनि के बारे में, अगर आप राहु के बारे में जानना चाह रहे हो शनि का गोचर फल देख लीजिए, केतु के बारे में जानना चाह रहे हो आप मंगल का गोचर फल देख लीजिए।
ठीक वैसे और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप इनका उपाय कर लीजिए, आपको फ़ायदा अवश्य होगा। चलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। जब भी ऐसे वीडियो अपलोड होंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।